अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम यासिर अफूर है और आज मैं मौजूद हूँ प्रिसेंट 6 के अंदर। आपको एक 272 स्क्वायर यार्ड का विला दिखाएंगे जिसके अंदर टोटल 5 बेडरूम्स हैं और बहुत खूबसूरत ये विला बना हुआ है। सिंगल यूनिट के घर है और बहुत कमाल की इसकी लोकेशन। व्यूअर्स घर को एंड तक लाजमी देखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पहले आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। व्यूअर्स अभी आपने इसका फ्रंट स्ट्रक्चर डिज़ाइन देख लिया है और उसके बाद मैं आपको इसका फ्रंट रैंप जो है वो लुक कराऊँ। तो ये आप देख सकते हैं, रोड पर होने की वजह से इसका आपको रैंप भी जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है। उसी के साथ यहाँ पर इसका एक्सटीरियर गार्डन है जिसके अंदर आपको प्लांटेशन ग्रास वर्क थोड़ा सा कर दिया गया, इसको भी आप एक नज़र देख सकते हैं। और इसके बाद ये इसका टोटल एक फ्रंट लुक है। टोटल 5 बेडरूम्स जैसा कि मैंने आपको बताया और अटैच बाथ के साथ। तो अभी हम चलते हैं घर के अंदर। तो गैरेज के अंदर हम आ चुके हैं व्यूअर्स। वही जनरल साइज़ गैरेज आपको यहाँ पे मिल रहा है जिसके अंदर आप एक एसयूवी इजीली पार्क कर सकते हैं। यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस आपको मिल जाती है और एक और कॉरिडोर स्पेस आपको यहाँ पर मिल रही है जिसके अंदर आप अपनी डिफरेंट यूटिलिटीज़ रख सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। यहाँ से आपको पैसेज मिलेगा जो कि आपको बैक साइड पर लेके जाएगा वॉशिंग एरिया की तरफ। ये इसका वॉशिंग एरिया है जो कि ऑलमोस्ट 5 फीट वाइडेड है। यहाँ से आपको स्टेज मिल जाएंगी जो कि आपको सर्वेंट क्वार्टर, सर्वेंट रूम और रूफटॉप की तरफ एंट्रेंस देगी। इस घर की लोकेशन जो है वो एक आबादी वाले एरिया में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आबादी हो चुकी है ऑलरेडी, फैमिलीज आसपास शिफ्टेड है। तो ये इसका बैक साइड का वॉशिंग एरिया आ चुका है जिसके अंदर आप देख सकते हैं स्पेशियस आपको रूम मिल रहा है। तो घर के अंदर चलते हैं और आपको तमाम चीज़ें डिटेल के साथ समझाते हैं। जी व्यूअर्स ये इसका मेन एंट्रेंस डोर आ गया जिसके अंदर सॉलिड वुड यूज़ की गई और साथ साथ जो हैंडल्स हैं, डोर हैंडल्स, वो भी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर यूज़ किए गए। और अभी हम आ चुके हैं इसकी लॉबी के अंदर और लॉबी की बात की जाए तो आपको एक ब्राइट लुक मिल रही है। ऊपर से बात की जाए सीलिंग वर्क के ऊपर, तो सीलिंग वर्क के ऊपर भी आपको एक वार्म लुक भी एडिशनल दी गई है। मैप प्लान की बात करें व्यूअर्स, सिंगल यूनिट ये घर है तो यहाँ से आपको इसकी स्टेयर्स मिल जाती है और पाउडर रूम भी आपको स्टेयर्स डाउन द स्टेयर्स मिल जाता है। सिंक इसका यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और उसके साथ नीचे एक आपको कमोड मिल रहा है फॉर योर गेस्ट। और उसी के साथ एक ड्राइंग स्पेस, ड्राइंग डाइनिंग यहाँ से आपको मिल रही है। इसको टोटल सेपरेट किया है ग्लास और वुड डोर से। ये आप देख सकते हैं एक स्लाइडिंग डोर आपको अंदर भी मिलेगा। और इसके साइज़ की बात की जाए तो ये आपको एक स्पेशियस साइज़ मिल रहा है, बड़ा साइज़ है जिसके अंदर आप अपना ड्राइंग और डाइनिंग दोनों अकोमोडेट कर सकते हैं। ऊपर से सीलिंग वर्क की बात की जाए तो क्लासी और एलिगेंट डिज़ाइंस यहाँ पर चूज़ किए गए, सिंपल नहीं रखा गया। सिंपल सीलिंग वर्क नहीं है, पूरे घर के अंदर सीलिंग वर्क भी अच्छा यहाँ पर आपको मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ से आपको स्टेयर्स मिल जाएंगी फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो आगे चलते हैं और टीवी लाउंज और किचन भी एक्सप्लोर करते हैं। बिकॉज इसका टीवी लाउंज आ चुका है जिसके अंदर आपको मीडिया वॉल नहीं मिल रही, सिंपल यहाँ पर आपको टीवी लाउंज डिज़ाइन करके दिया गया। वेंटिलेशन के लिए आपको स्पेस दी गई है। ये देखिए आप, ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस है और ये एक अच्छा यहाँ पर एडवांटेज है ताकि आपको वेंटिलेशन के लिए कोई इशू ना हो। उसी के साथ हम वापस टीवी लाउंज में आते हैं तो ये आपको टोटल एक स्पेस मिल रही है टीवी लाउंज की। ये आप आइडिया कर सकते हैं। यहाँ से आपको स्लाइडिंग डोर्स हैं जो कि आपको ड्राइंग रूम की तरफ व्यू करवाएंगे। तो ये आपने इसका टीवी लाउंज देख लिया और सामने ही बहुत स्पेशियस और खूबसूरत सा किचन भी यहाँ पर मौजूद है। और किचन के बारे में बात की जाए व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत यहाँ पर काउंटर टॉप है और इसकी जो ड्रॉर्स हैं वो भी व्यूअर्स आप व्यू कर सकते हैं कि एक अच्छी लुक यहाँ पर आपको टोटल मिल रही है जिसके साथ प्रोफाइल लाइटिंग भी यहाँ पर इंस्टॉल की गई है जिसकी वजह से और यहाँ पर आपको व्यूअर्स खूबसूरती नज़र आ रही होगी। ये देखें ड्रॉर्स भी हैं और इसके साथ अच्छी स्पेस यहाँ पर आपको मिल रही है। किचन के अंदर भी आपको एक अच्छी वॉक मिलने वाली है। यहाँ पर अभी अप्लाइंसेज जो है इंस्टॉल होने वाली है। उसी के साथ एक डर्टी किचन भी यहाँ पर मौजूद है, ग्रीसी किचन। 272 स्क्वायर यार्ड्स के विला के अंदर आपको कम डर्टी किचन इंस्टॉल करके दिए जाते हैं, डिज़ाइन करके दिए जाते हैं। यहाँ से आपको एंट्रेंस मिल जाती है एक और किचन के लिए। बस एक लुक आपको और दिखा देता हूँ किचन की, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये टोटल इसका एक व्यू है, ओवरव्यू है जो कि किचन को आपको मैंने दिखाया। और इसी तरह यहाँ पर टोटल 5 बेडरूम्स है तो 2 ही बेडरूम्स आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मिलेंगे और 3 बेडरूम्स आपको ऊपर डिज़ाइन करके दिए गए। इसका बेडरूम नंबर 1 है जिसकी बात की जाए तो वो स्पेशियस साइज़ है। अगर हम 272 स्क्वायर यार्ड्स को देखा जाए तो ऊपर से ही आपको सीलिंग वर्क भी इमेजिनेबल आपको अच्छी मिलेगी। और उसके साथ इस बेडरूम से जो आपको व्यू मिलने वाला है वो बहरिया हाइट्स का होगा। ये आपने देखा बहरिया हाइट्स का व्यू। और ये एक टोटल स्पेस आपको दिखाऊं बेडरूम की, तो ये आप बेडरूम की स्पेस भी देख सकते हैं। डिमांड के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्यू कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बस यहाँ पर आप इसको कबर्ड मिल जाएंगे, वॉलड्रॉप्स हैं। वाटर्स के अंदर भी आपको रैक्स स्पेस अच्छी मिल रही है। और यहाँ से हम इसके वॉशरूम के अंदर एंट्रेंस कर रहे हैं। तो इस बात की जाए वॉशरूम की, तो एक वैनिटी सेटअप जो कि आपको पोर्टा की तरफ से मिल रहा है। और यहाँ पर टाइल वर्क भी बहुत अच्छा व्यू कर रहा है और उसके साथ एक कमोड है। डिमांड बहुत मुनासिब है इस घर की। आप भी इस दिए गए नंबर पर रब्ता करके इस विला की डील बना सकते हैं। ये आपने इसका अटैच बाथ देखा और हम आ चुके हैं इसके वापस बेडरूम नंबर 1 के अंदर। उसी के साथ अटैच होता है इसका बेडरूम नंबर 2। और बेडरूम नंबर 2 के साइज़ की बात की जाए वो भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मिल रहा है। स्पेशियस बेडरूम है 272 स्क्वायर यार्ड्स के हवाले से। अगर 2 बेडरूम्स नीचे होंगे तो यही साइज़ आपको मिल जाता है। ऊपर सीलिंग वर्क के ऊपर आपको एक राउंड शेप के साथ साथ बहुत खूबसूरत वार्म लाइटिंग भी मिल रही है। और यहाँ पे आपकी वाटर स्पेस भी मिल जाती है। वॉशरूम के अंदर कबर्ड्स नहीं बनाएगी, लोगों का एतराज़ होता है कि वॉशरूम के अंदर कबर्ड्स नहीं बनानी चाहिए। उसके साथ हम आ चुके हैं इसके वॉशरूम के अंदर। वही सेम वैनिटी सेटअप और सैनिटरीज आप यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ पर इसका वॉल हैंग कमोड आपको मिल जाता है। और टाइल वर्क आप देख सकते हैं, एक अच्छी लुक आपको मिल रही है, ब्राइट लुक आपको मिल रही है। ये साइज़ आपने देखा। अब हम जा रहे हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। वापस हम आ चुके हैं इसके टीवी लाउंज में। तो आपने ग्राउंड फ्लोर का टूर देखा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। वे स्टेज पर आ चुके हैं। स्टेज पर ज़्यादा काम आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से आपको इसकी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिल जाएगी और उसके साथ टोटल ब्लैक एंड इसकी स्टेयर्स डिज़ाइन की गई है। यहाँ से ऊपर देखा जाए तो आपको विंडोज़ मिल रही हैं 2 साइडेड और यहाँ से आपको अच्छी सनलाइट भी मिल जाएगी। सनलाइट आएगी, पूरे घर के अंदर रोशन लुक होगी। और ऊपर से सीलिंग वर्क पर देखा जाए तो यहाँ पर आप इसको एक बहुत बड़ा सा फानूस भी ऐड कर सकते हैं। और लॉबी के अंदर आ चुके हैं व्यूअर्स वापस। तो वही बेसिक प्लान है जो कि आपको ज़्यादातर मिलता है। यहाँ से आपको फ्रंट पर एक मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। व्यूअर्स इस बेडरूम का साइज़ बहुत सबसे बड़ा बेडरूम यही है, मास्टर बेडरूम, जो कि आपको फ्रंट की तरफ व्यू करवाएगा। ये आपने इसका साइज़ देखा और उसके साथ सीलिंग वर्क भी आप एक बार व्यू कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक स्पेशियस अटैच बाथरूम भी मिल जाता है। तो आप इसका फर्स्ट इंप्रेशन देख सकते हैं। जो टाइल वर्क है इसकी वो बहुत अच्छी यहाँ पर लुक दे रही है इस वाइट टाइल के साथ। और एक वॉल हैंग कमोड भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको शॉवर प्लेस किया गया। आपने इसका टोटल 3 बेडरूम्स देख लिए हैं और हम आ चुके हैं वापस इसी लॉबी के अंदर। क्योंकि सिंगल यूनिट घर है लेकिन फिर भी आपको फर्स्ट फ्लोर पर एक बड़ा किचन मिल जाता है। तो टीवी लाउंज के अंदर वापस आ चुके हैं। यहाँ पर भी व्यूअर्स आपको अच्छी स्पेस मिल रही है जिसकी तरह आपकी अच्छी सेटिंग हो सकती है। मीडिया वॉल यहाँ पर भी डिज़ाइन नहीं आपको करके देगी। ऊपर एक राउंड शेप में आपको सीलिंग वर्क भी मिल जाएगी। और ये इसका एक छोटी सी किचन स्पेस आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाएगी। छोटी नहीं, यहाँ पर भी आपको अच्छी कैबिनेट स्पेस मिल रही है। तो एक डबल फैमिली के लिए, जॉइंट फैमिली के लिए अच्छी स्पेस यहाँ पर आपको किचन के अंदर भी मिल रही है। किचन के अंदर कलर पैलेट्स बहुत अच्छे ब्राइट यूज़ किए गए और इसके साथ यहाँ पर एक आपको स्टोर स्पेस भी मिल जाती है। स्टोर स्पेस भी है फर्स्ट फ्लोर पर और इसके साथ ये इसकी किचन लुक है जो कि आप दोबारा एक बार व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप मार्बल के काउंटर टॉप के ऊपर देख सकते हैं कि प्रोफाइल लाइट्स है, LED लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं। उसके साथ बैक साइड पर 2 बेडरूम्स हैं और ये आप देख सकते हैं। ये दोनों सेम साइज़ के होंगे जो कि आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिल रहे थे। बेडरूम नंबर 4 में चलते हैं और यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि वही साइज़ जो कि आपको ग्राउंड फ्लोर पर दिखाया था पहले बेडरूम का, वही यहाँ पर आपको साइज़ मिल रहा है। प्रिसिंक्ट 6 के पॉपुलेटेड एरिया के अंदर ये लोकेटेड है और इसके साथ आपको इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त मिलती है। अटैच बात करने चलते हैं फिर। यहाँ पर आपको एक राउंड शेप के अंदर नैनो कैबिनेट्स का बहुत खूबसूरत सा वैनिटी सेटअप मिल जाता है। सिंक है यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और इसके साथ ही शॉवर और यहाँ पर वॉल कमोड भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। रेडी टू शिफ्ट विला है व्यूअर्स। इस घर की डिमांड जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिमांड देख सकते हैं या हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके विला की फर्दर डिटेल्स जान सकते हैं। व्यूअर्स लास्ट इसका बेडरूम आप देख सकते हैं, 5th बेडरूम है और इसका सीलिंग वर्क भी आपने व्यू किया। सीलिंग वर्क में ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ से आप सी वाटर्स मिल जाएंगे। बस लास्ट वॉशरूम आप देखें, क्या खूबसूरत क्रोही का वॉल हैंग कमोड है और पीछे टाइल वर्क इसके भी आप देख सकते हैं। बस वॉशरूम बहुत खूबसूरत है सारे के सारे और घर भी अच्छा यहाँ पर A+ क्वालिटी का बना। जी व्यूअर्स, ये इसका टेरेस आ चुका है। टेरेस स्पेस की बात कीजिए तो यहाँ पर आपको जनरल साइज़ टेरेस स्पेस ही मिल रही है, जो कि हर आपको 272 स्क्वायर यार्ड्स के विला के अंदर मिलती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके आसपास फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्टेड हैं, तो आप सामने वाले घर के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पर फैमिली ऑलरेडी मूव्ड है। और ये इसका टोटल टेरेस साइज़ है। व्यूअर्स, अगर आप ये घर बाय करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर 125 स्क्वायर यार्ड्स, 272 स्क्वायर यार्ड्स या 500 स्क्वायर यार्ड्स किसी भी साइज़ के ऊपर, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके कंस्ट्रक्शन के हवाले से डिटेल्स जान सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्सचेंज का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ मिलती रहें। यासिर अफूर, प्रॉपर्टी एक्सचेंज, बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफिज़।